हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि राठौर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने CTR को किस तरीके से कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि CTR को कम क्यों करना चाहिए, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आपके पेज का CTR बढ़ जाता है, 10% से ऊपर चला जाता है, तो आपका एडसेंस डिसेबल कर दिया जाता है। कम से कम 6 महीनों के लिए डिसेबल किया जाता है और इसको आपको वापस चालू करने के लिए अपने एडसेंस को 6 महीने के बाद ही अप्लाई करना होता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आप अपने वीडियोस पर बार बार क्लिक करते हैं तो आपके पेज का CTR जो है बढ़ जाता है। अगर किसी और के द्वारा भी किया जाता है तो वो एक ही बंदा, मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड से बोल दिया कि यार मेरे वीडियो पर बार बार क्लिक करा करो, ये जबकि गलत है, क्योंकि इससे बार बार क्लिक करने पर वो इनवैलिड क्लिक पर चला जाता है और आपके पेज का CTR बढ़ता है, जिससे कि आपका एडसेंस डिसेबल कर दिया जाता है। तो इसे आपको किस तरीके से कंट्रोल में करना है, ये हम आपको अभी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने लगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है, आप खुद से इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आपको इसे किस तरीके से कंट्रोल करना होता है, और अपनी जो रिपोर्ट है उसे बार बार चेक करते रहना चाहिए अपने एडसेंस अकाउंट में जाकर, ताकि आप अपने पेज का जो CTR है उसे बढ़ने से रोक सकें और अपना एडसेंस डिसेबल होने से बचा सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आपको अपने पेज का जो CTR है उसे किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है, ताकि आपका CTR बढ़े ना और आपका एडसेंस डिसेबल होने की संभावना ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने चैनल में लॉगिन करना होगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। इसके बाद आपको जाना होगा आपके चैनल पर। ये देखिए, मैंने चैनल पर क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरीके का पेज दिख जाएगा, क्योंकि अब YouTube अपडेट हो चुका है तो आपको YouTube स्टूडियो बीटा का इस्तेमाल करना होगा सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हमारा YouTube स्टूडियो बीटा ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जो नया डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके का ओपन होता है, ठीक है। यहीं पर आपको काम करना है, तो आपको जाना होगा अपने जो भी वीडियोज हैं उन पर, ठीक है। यहाँ से आपको अगले काम करने होंगे। तो ये देखिए, हमारे वीडियो के जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अब हम आपको बता देते हैं, आप किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पर जब हमने वीडियो पर क्लिक किया, उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर शो होगी और कुछ डिटेल्स यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियो का टाइटल दिखाई देगा और थोड़ी बहुत डिटेल आपको अदर भी दिखाई देगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो वीडियो की डिटेल है उसके नीचे देखिए आप स्क्रॉल डाउन करना है। पहले तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा जिस पर डिटेल्स लिखा होगा, नीचे आपको डाउन करना है। इसके बाद यहाँ लिखा होगा मोनिटाइजेशन, ये देखिए, ये मोनिटाइजेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मोनिटाइजेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पेज शो होगा, ठीक है, जहाँ पर आपके एड्स किस प्रकार के अपने वीडियोस पर चालू हैं वो आपको सारे दिखाई देंगे। देखिए, 5 टाइप के एड्स आपके वीडियो पर चलते हैं, ठीक है, जिसमें अगर आपका पेज का जो CTR बढ़ता है तो वो इस एड्स के जरिए ही बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एड्स है जिसे स्किप नहीं किया जा सकता है। और कभी कभी कुछ ऐसे एड्स आते हैं जो 30 सेकेंड के होते हैं, या आपके वीडियोज़ पर जब चलता है तो आपके पेज का CTR बढ़ने के। हालांकि आपके यूट्यूब चैनल पर अगर बहुत सारी वीडियो डली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके चैनल पर कम वीडियो डली है जिसमें वॉच भी अगर कम हो रहा है, वॉच टाइम कम आ रहा है, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसे आपको फ़िलहाल के लिए डिसेबल करना होगा कुछ समय के लिए। अगर आपके चैनल पर अच्छे व्यूज़ आने लगे तो आप इसे चालू कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से डिसेबल करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से सेव करेंगे तो आपका जो नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने डिसेबल कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने पेज का CTR बढ़ने से रोक सकते हैं। ये 100% काम करता है ये ट्रिक। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपके पेज का जो CTR बढ़ता है वो इसी कारण से बढ़ता है, क्योंकि यही वो एड्स है जो स्किप नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग बार बार आपके वीडियोज़ पर क्लिक करते हैं और आपके पेज का CTR बढ़ने लगता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार इसे देख सकते हैं। फिलहाल इसे करते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस तरीके से आप अपने CTR को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और ज़्यादातर CTR बढ़ने के चांसेस होते हैं वो नॉन स्किपेबल एड्स के ही जरिए होता है, क्योंकि आपके वीडियोज़ पर एड्स आते हैं वो स्किप नहीं होते हैं। ज़्यादातर एड्स अभी
जो वीडियोस पर चल रहे हैं वो नॉन स्किपेबल एड्स से चल रहे हैं, जैसे जोमोटो हुआ और भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कि नॉन स्किपेबल एड्स हैं। इन्हें अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो कुछ समय के लिए तो आपके लिए ठीक रहता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि आपको वीडियो को बार बार देखना पसंद करते हैं, तो इसके ज़रिए आपके पेज का जो CTR है वो बढ़ जाता है और एडसेंस डिसेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कई लोगों के एडसेंस डिसेबल भी हो चुके हैं इसके चलते। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप एड्स लगाना चाहते हैं तो इस एड्स को ज़्यादातर आप कम ही यूज़ करें, आप इसे डिसेबल ज़्यादा करके रखें। अगर आपके चैनल पर वीडियो ज़्यादा हैं तो इसे बिल्कुल इनेबल कर लें, अगर कम वीडियो है तो आप इसे कुछ समय के लिए डिसेबल ही रखें, क्योंकि अगर आपके पेज का जो CTR बढ़ जाएगा तो आपका एडसेंस डिसेबल होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।